तो गाइस आज हम लोग खड़े हुए 5-star rated माइक्रो एसयूवी कार ऑल न्यू टाटा पंच के सामने एंड ये देख रहे हैं टाटा पंच का एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट। तो आज इसी को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये भाई साहब पंच का सेकंड बेस वेरिएंट यहाँ पे रहेगा, बेस रहता है इसका प्योर देन, उसके बाद एडवेंचर जो आपके सामने खड़ा हुआ है, इसके बाद आपको एकम्बलिस्ट एंड टॉप मॉडल क्रिएटिव देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी 5-star रेटिंग के साथ कुछ आ रहे हैं ऐसी सेफेस्ट माइक्रो एसयूवी कार तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। प्राइस रेंज की बात कर ली जाए अगर इस गाड़ी की तो भाई साहब 6 लाख से इसका एक्सोरूम बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है एंड टॉप मॉडल भी जाता है 10 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। इंजन स्पेक में आपको इस कार में पेट्रोल एंड सीएनजी यहां पे दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी अभी चलेंगे कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो ये रहेगी यहाँ पे गाड़ी की बढ़िया से पूरी इसकी फ्रंट प्रोफाइल एंड की बात कर ली जाए तो इस तरह यहाँ पे कुछ ये फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की आपको देखने को मिलती है, जिसमें देखेंगे यहाँ पे लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलाइट पीछे रहेगा टाटा का लोगो। तो ये हो गए इसके कंट्रोल। दूसरी यहाँ पे रहती है इसमें मैनुअल फिजिकल की। लुक्स भाई साहब देख रहे ना, नो डाउट एक नंबर की लग रही है देखने में फ्रंट से ये हमारी कार। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाटा का लोगो ग्लॉसी ब्लैक में, इसकी पूरी यहाँ पे फ्रंट ग्रिल ब्लैकआउट, इसका पूरा बम्पर जहाँ पे ट्रायड डिजाइन का पूरा पैटर्न। हेडलैम्प्स की तरफ आते हैं तो ऊपर यहाँ पे देखेंगे आपको मिलते हैं पार्किंग लाइट, ऑन करके दिखा दे तो इस तरह पीली वाली कुछ रहती है साइड में। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट नॉर्मल से है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप दिया गया हैलोजन बेस वाला। फॉग लैम्प्स अगर आपको नहीं मिलेंगे इस फ्रंट के साथ, ये पूरा खाली से रहेगा, बाद में चाहें तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिलने वाला 187 mm का इस टाटा पंच के साथ। तो इस सेगमेंट के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए भाई साहब ठीक ठाक है। आइए बढ़ते आगे की तरफ। तो यहाँ पे इसका रहेगा ड्यूल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। सीएनजी वेरिएंट है तो देखेंगे उसका यहाँ पे स्टिकर। अब बात की जाए अगर इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में तो इस तरह को साइड से दिखती है हमारी कार एंड यहाँ पे देख रहे ना इस वेरिएंट को भाई साहब वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है, व्हील कवर्स आपको मिल जा रहे हैं, अंदर जाएंगे ऑडियो सिस्टम हो गया, इसी के साथ इस तरह यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग की देखने को मिलने वाली है इस कार के साथ। तो भाई साहब जो भी जरूरत की सारी चीज़ें वो सारी आपको देखने को मिल जाती हैं इस एडवेंचर वेरिएंट के साथ। बाकी अगर इसके डायमेंशन की बात कर ली जाए तो आपको इसमें 3827 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे लेंथ यानी कि लंबाई, 1742 mm की इस गाड़ी की चौड़ाई विथ एंड इसी के साथ 1615 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। व्हील बेस वही रहेगा 2445 mm का। तो ये होगी भाई साहब इस गाड़ी के यहाँ पे पूरी डायमेंशन। अभी आते हैं इसके स्टील लिम की तरफ। तो ये आपको 15 इंच इसके नॉर्मल से यहाँ पे आपको स्टील लिम देखने को मिल जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे, पीछे वहाँ पे ड्रम ब्रेक्स, व्हील कवर्स भी हो गए। यहाँ पे देखेंगे पूरी ब्लैक कलर की क्लाइडिंग जो पीछे तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। ये इसके ऑप्शन मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके ऑप्शन मिरर्स। बाकी ये वाले पिलर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे पूरे ब्लैक फिनिश में। इधर से दिखाएं तो ये इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे ऑडियो सिस्टम वगैरह हो गया जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे स्टेयरिंग में मिल जाते हैं और अंदर बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे भी डिटेल में। इनकी डोर्स का भाई साहब एक प्लस पॉइंट रहता है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 90 डिग्री यहाँ पे इसकी सारी डोर्स खुल जाती हैं तो आराम से बैठेंगे इस गाड़ी में एंड आराम से निकलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आइए यहीं से पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पार्क का कंट्रोल, डोर ओपनर, यहाँ पे स्पीकर बॉटल्टर मिल जाता है इनकी डोर्स में, फैब्रिक की सारी सीट्स। अंदर बैठने के बाद इस तरह पूरा दिखेगा डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे भाई साहब इस गाड़ी में आपको कोई भी रियर इवेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे टाटा पंच के साथ। बाकी स्पेस वगैरह सही से मिल जाएगा, 2445 mm का व्हील बेस है ना तो उसी हिसाब से देख रहे ना इतना कुछ स्पेस रहेगा जहाँ पे दो लोग एकदम आराम से बैठ जाएंगे। ये हो गया इसका हैंडल, पीछे यहाँ पे पार्सल ट्रे, कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख लीजिए। ये देख रहे ना भाई साहब हेडरेस्ट वगैरह आपको सब यहाँ पे फिक्स मिलते हैं, सिर्फ टॉप में जाएंगे क्रिएटिव में तो वहाँ पे आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, अदरवाइज सभी में फिक्स रहेंगे। सीट बेल्ट के यहाँ पे आपको उसमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं इस कार में। तो ये है इसका पूरा एडवेंचर वेरिएंट का अंदर का डैशबोर्ड एंड ये था इसका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। आइए निकलते गाड़ी के बाहर, फिर चलते इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। डोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड लॉक्स, ये भाई साहब इसका फील फिलर कैप, इसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहीं से आप इसमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों चीज़ें भाई साहब फिल कराएंगे। 37 लीटर आपको उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जिससे पेट्रोल डलाएंगे। ये देख रहे हैं बगल में सीएनजी वाला नाजुल, इसमें मान के चलिए भाई 8 से 9 kg आएगी जब आपका टैंक होगा पूरा खाली। ये हो गया इसका सेंसर वगैरह, कभी आप मान लीजिए भूल गए भाई साहब कैप वगैरह बंद करने को तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसी के साथ कुछ भाई साहब इसके प्लस पॉइंट भी रहते हैं जो आपको इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट इस गाड़ी को सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइड से आपने यहाँ पे देख लिया, अभी आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। ये भाई साहब थोड़ी प्लेन सी लग रही है ना क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है ना, तो इस वजह से थोड़ा खाली खाली से यहाँ पे लग रहा होगा बैक से इस कार में। तो यहाँ पे भाई साहब कोई भी आपको उसमें रियर वाइपर डिफॉगर नहीं देखने को मिलने वाला है। बाकी ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे जाएंगे तो इसका पावर एंटीना। सीएनजी वेरिएंट है तो यहाँ पे देखेंगे उसका स्टिकर, सेंटर में जस्ट यहाँ पे रहता है टाटा का लोगो। एडवेंचर रिदम में जाएंगे तो वहाँ पे 7 इंचेस वाली टच स्क्रीन, उसी के साथ यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा ऐड हो जाएगा जो आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़ी सी पंच की बैजिंग, ICNG की यहाँ पे बैजिंग क्योंकि भाई साहब इसका CNG का देख रहे हैं CNG वाला वेरिएंट। यहाँ पे देखेंगे इसकी बैकलाइट जो आपको दी जा रही नॉर्मल वही हैलोजन बल्ब वाली, रिफ्लेक्टर ट्रायड डिजाइन के यहाँ पे पैटर्न, तो यहाँ पे रहेंगे अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स इसके बम्पर में, पूरा ब्लैकआउट इसका बम्पर। अभी खोलते हैं इसके बूट को,
तो इस गाड़ी में वैसे तो भाई साहब आपको 366 लीटर का बोड स्पेस मिलता है, यानी कि 366 लीटर का, बट यहाँ पे जब दो दो टैंक भाई साहब प्लेस है ना, कहाँ पे प्लेस है ना, ये देखिए भाई साहब मैजिक ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही, तो 30-30 केजी के यहाँ पे दो सिलेंडर प्लेस है, जो इतना नीचे के एरिया बसता है वहाँ पे लगा दिए गए, उसके बाद भी आपको यहाँ पे समथिंग 200 लीटर के आसपास बोड स्पेस मिलने वाला है इस कार में। तो भाई साहब टैंक भी है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे इतना यूजफुल आपको स्पेस मिल जाएगा कि अपने यहाँ पे सामान रख सकते हैं, ट्रॉली बैग झोली वगैरह जो भी रखना हो रख सकते हैं। बूट लाइट भी दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे बूट लाइट, ये 1 kg तक यहाँ पे हुक रहेगा जिसमें आप कुछ भी अपना सामान टांग सकते हैं। पार्सल ट्रे रहेगी, सीट भाई साहब पूरी यहाँ पे फोल्डेबल रहेगी इस गाड़ी की। अब भाई साहब सोच रहे होंगे स्पेयर व्हील कहाँ गया, तो यहाँ से भाई इसको हटा के यहाँ पे बोल्ट दिया गया जिसको घुमा के नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील रहेगा ये, तो इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बाकी इधर देखेंगे इसकी रहेगी एग्जॉस्ट पाइप, ये हो गया इसका नीचे का पूरा सिस्टम। तो आइए इसको करते हैं यहाँ पे बंद। तो ये आपने देख ली इसकी पूरी रियर प्रोफाइल। वारंटी की बात कर ले तो इस गाड़ी के साथ आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है इस टाटा पंच के साथ। बाकी इसका कंपटीशन जानते हैं भाई साहब, ह्यूंडई एक्सटर से सीधा होता है, एक्सटर के अलावा आप निसान मैग्नेट एंड रेनॉल्ट टाइगर के साथ भी इसका करा सकते हैं कॉम्पिटिशन। लेकिन टाटा पंच की सबसे बड़ी खासियत यह रही थी इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो भाई साहब क्रैश में इस गाड़ी को ग्लोबल एंड कैप ने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। तो बाहर बाहर से आपने देख लिया, अभी चलेंगे कार के अंदर, तो बात करेंगे और क्या कुछ आपको मिलने वाला इस गाड़ी के इंटीरियर में। कलर ऑप्शन व्हाइट है, एंड इस वेरिएंट के साथ आपको व्हाइट, दूसरा ग्रे, देन इसके बाद ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट, 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे टॉप में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ब्लू रेड वाले भी ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। सेकंड रो पे हम लोगों ने बैठ के देख लिया, यहाँ पे सेलिब्रेशन वाला टैग। अभी चलते हैं यहाँ से कार के अंदर। हैंडल वगैरह देख लीजिए, सेम बॉडी कलर। एंड डोर्स में चारों यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, ये इलेक्ट्रिक पे एडजस्टेबल आपको ऑप्शन मिरर्स मिलते हैं उसके कंट्रोल्स। यहाँ पे जाएंगे डोर ओपनर, नीचे स्पीकर्स बॉटल होल्डर में जाता है इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे फैब्रिक की। डैशबोर्ड देख रहे हैं पूरा यहाँ पे रहेगा डुअल टोन में। सिर्फ सीट रिक्लाइन का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है इस वेरिएंट के साथ। नीचे जाएंगे तो फील्ड लाइट ओपनर, यहाँ पे जाएंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल, साइड में वहाँ पे डेड पैडल भी रहेगा। आगे का बोनट खोलना है तो उसका लीवर दिया गया है यहाँ पे। CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्टर स्विच साइड में, जहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। आइए अभी लगाते हैं यहाँ पे कीको, फिर बैठते कार के अंदर। तो ये भाई साहब एडवेंचर CNG वेरिएंट में देखना ना, पूरा डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है। इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें रहेंगे काफ़ी सारी चेक लाइट्स, इसको पहले करते हैं म्यूट। इसी के साथ ये देख रहे हैं ना टॉगल, जहां से आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें देखेंगे ट्रिप हो गया, ऑडियो हो गया, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। उधर RPM मीटर, इधर रहेगा फ्यूल गेज वाली बार्स, तो CNG वाले बार्स, इधर रहेंगे पेट्रोल वाले बार्स। देन स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे टाटा का लोगो इस साइड, यहाँ पे आपको उसमें टेलीफोनिक एंड ऑडियो सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं बाई साइड। एंड इधर यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल्स। बाकी अगर इसके एडजस्टमेंट की बात कर लेना तो आइए जरा सा भाई साहब चेक करते हैं। ये वही टिल्ड एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगी इसकी स्टेयरिंग। तो इसके बाद डैशबोर्ड का यहाँ पे पूरा इसका व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा ये ऑडियो सिस्टम। तो भाई साहब इसमें आपको कनेक्टिविटी वही मिल जाती है ब्लूटूथ USB ऑक्स वाली। इसके भाई साहब बटन्स कहाँ हैं वो सोचेंगे, कहाँ गए, वही यहाँ पे प्लेस की गए नीचे की तरफ। तो ये सारे यहाँ पे इसके ट्रैक वाले हो गए, होम वाला हो गया, वॉल्यूम ऑन ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये हो गया हजार लाइट का स्विच, AC वेंट्स, यहाँ पे सराउंडिंग पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। नीचे आएंगे तो यहाँ पे AC के सारे कंट्रोल्स, ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, USB का पोर्ट, यहाँ पे इस पे जहाँ पे अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप इसके CNG वेरिएंट को छोड़कर पेट्रोल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे खाली सा है, बाद में चाहे तो कोई भी यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट लगवा सकते हैं। दो यहाँ पे हो गए इसमें ग्लास होल्डर्स, ये हो गए इसके हैंड ब्रेक। इधर जाएंगे तो ये डोर ट्रिम पूरी डुअल टोन में, डुअल एयरबैग आपको इस कार में मिलता है। एक हो गया कोप सन साइड, दूसरा हो गया स्टीयरिंग में। ये स्टैंडर्ड फीचर रहने वाला इस कार के साथ। अगर इसके रैवल जैसे कि हुंडई एक्सटर में जाते ना तो वहाँ पे आपको भाई साहब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ उसमें भाई अगर एक चीज़ नहीं मिलेगी तो वो रहेगी बिल्ड क्वालिटी, जो आपको इसमें दी जाती तगड़ी सी 5 स्टार की। तो भाई साहब सभी गाड़ियों को अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है, वो डिपेंड करता है आप किसको प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल इसका EVM, ये रो फ्लाइट वाई पीली वाली, माइक हो गया बात बात करने के लिए। इधर जाएंगे तो सनवाइजर में यहाँ पे रहेगा इसमें टिकट होल्डर। देन इस साइड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वेंटी मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे का व्यू हम लोगों ने भी बैठ के पूरा देख लिया कैसा कुछ था इस कार का। तो गाइज अगर आप भी अगर आप भी प्लान करें ना 5 स्टार रेटेड माइक्रो एसयूवी कार तो आप जा सकते हैं टाटा पंच के साथ। आइए अभी निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इस कार के हम लोग इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। एक चीज तो भाई साहब रहेगी, ग्लव बॉक्स तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ये देख लीजिए इतना कुछ स्पेस यहाँ पर रहता है। टैबलेट होल्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि कोल्ड रोल का ऑप्शन मिलेगा इस ग्लव बॉक्स में। ये हो गया बंद, इग्निशन को करते हैं ऑफ और चलते गाड़ी के बाहर।
तो यही था इस कार का अंदर का पूरा डैशबोर्ड जो आपने देख लिया, डोर पे कर दिया बंद। अब बात करेंगे इस कार के हम लोग इंजन स्पैक के बारे में। तो इस स्टार्टअप पंच के साथ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 पेस की पावर एंड 113 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 18 से 19 एमपीएल का माइलेज। जैसे कि आप इसके सीएनजी वेरिएंट देख रहे हैं ना, वहां पे उसका स्टिकर लगा हुआ है। तो इसमें इंजन तो सेम है, इसमें पावर फिगर थोड़ी आपको कम मिलेगी। तो इसमें आपको 72 पीएस की पावर 95 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 26 का माइलेज इस सीएनजी वेरिएंट के साथ। अब बात की जाए अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो आपको देख रहे हैं एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट की, आपको पड़ने वाला है 7,85,000 एक्स रूम एंड वही जाएगा 8,93,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। ये पे अगर आप इसके पेट्रोल वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वो मान के चली हुई जाएगा 7,85,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। मोटा मोटा देखा जाए तो भाई साहब 1,00,000 का अंतर आने वाला है एक पेट्रोल एंड सीएनजी वेरिएंट के बीच में। सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली जाए, जो भी मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको उसमें एबीएस विद ईबीडी, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड डिलर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ये काफी सारे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस ऑल न्यू टाटा पंच पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्पेशल थैंक्स एसआरएम मोटर्स कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो मैं सुनील फिर मिलता हूं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।